गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन योर ऑनलाइन साइंस क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, फूड, चैप्टर नंबर 8. हाँ जी बेटा, आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नेम है फूड. ठीक है, और हम पेज नंबर 58 से रीड करेंगे. सो लेट स्टार्ट चैप्टर 8, फूड. फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. नेसेसिटीज़ होता है ज़रूरत. ठीक है, ज़रूरतें, कि फूड जो है हमारी लाइफ का जो है बेसिक ज़रूरत है. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड रिमेन हेल्दी. कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हेल्दी रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, लिव करने के लिए क्या ज़रूरी है? फूड. फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. और फूड जो है हमें काम करने के लिए क्या देता है? एनर्जी. वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 2 दैट वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. कि आपने ऑलरेडी 2 क्लास में पढ़ा हुआ है कि हमें जो है फूड प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है. नाउ फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स. कि नीचे कुछ फिलअप्स दिए गए हैं और साथ में हेल्प बॉक्स भी है, तो हमने इनको फिल करना है विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स. फर्स्ट वन इज वी ईट फूड टू डैश एंड डैश. कि हम खाना क्यों खाते हैं, तो क्यों खाते हैं? टू लिव एंड ग्रो. सेकंड है फ्लोर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश ऑफ वीट प्लांट. फ्लोर होता है बेटा आटा. कि हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? वीट प्लांट के ग्रीन से. थर्ड है डैश एंड डैश आर यूज्ड एज ड्राई फ्रूट्स इन विंटर्स. कि विंटर के सीज़न में हम ड्राई फ्रूट्स के रूप में किसको खाते हैं? आलमंड्स और पीनट्स को. फोर्थ है डैश एंड डैश आर टू मिल्क प्रोडक्ट्स. कि दूध से दो जो चीज़ें बनती हैं वो कौन कौन सी हैं? कर्ड एंड चीज़. और लास्ट है चिंटू लाइक्स टू ईट फिश, ही इज़ अ डैश. कि चिंटू को फिश खाना पसंद है, तो वो क्या है? नॉन वेजिटेरियन. ठीक है. प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड इन वेरियस फॉर्म्स. कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं हमें वेरियस फॉर्म में फूड प्रोवाइड करते हैं. लेट अस स्टडी दिस इन डिटेल. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट हम रीड करेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स के बारे में. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ. कि अर्थ के ऊपर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट हैं. दे प्रोवाइड अस मैनी फॉर्म्स ऑफ फूड मटेरियल्स. और वो हमें जो हैं डिफरेंट तरह का खाना देते हैं या फूड मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं. सम ऑफ द फूड्स आर ईटन रॉ एंड सम आर कुक्ड बिफोर ईटिंग. कि उसमें से कुछ जो खाना है उसको हम रॉ फॉर्म में खाते हैं. रॉ होता है बेटा कच्चा. और कुछ जो खाना है उसको हम खाने से पहले पकाते हैं और उसके बाद उसको खाते हैं. हाँ जी बेटा, देखिए पिक्चर में देख सकते हैं. फर्स्ट पे वीट दिखाई है, वीट होती है गेहूँ, फिर फ्रूट्स और लास्ट में वेजिटेबल्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से. नेक्स्ट है वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. कि हम डिफरेंट पार्ट्स जो है डिफरेंट प्लांट्स के उनको खाते हैं. वी ईट सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स एंड रूट्स. ठीक है, कि हम कुछ जो हैं प्लांट्स की रूट्स और जो सीड्स हैं फ्रूट्स हैं उनको भी खाते हैं. ठीक है, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं एंड अदर प्लांट्स. लेट अस लर्न हाउ वी यूज़ वेरियस पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स इन आर फूड. अब हम रीड करेंगे, लर्न करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के उनको एज अ फूड लेते हैं. तो फर्स्ट है बेटा सीड्स. द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक वीट एंड राइस आर पार्ट ऑफ आर डेली फूड. कि कुछ जो प्लांट्स हैं जैसे आपके वीट और राइस हैं, इनका यूज़ हम अपने फूड में करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं. तो अब हम सीड्स में सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लोर के बारे में. फ्लोर होता है बेटा आटा. मैनी ऑफ अस लाइक टू ईट चपातीस एंड ब्रेड डेली. कि हम ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको चपातीस और ब्रेड डेली खाना पसंद है. दीज आर मेड फ्रॉम वीट फ्लोर. और ये किससे बनाए जाते हैं? वीट फ्लोर से, गेहूं के आटे से.
Wheat flour is obtained by grinding the seeds, grains of wheat. अब हम wheat flour, गेहूं का जो आटा है, कैसे obtain करते हैं? जब हम गेहूं के जो seeds हैं, उनको grind करते हैं. जैसे आप बेटा गेहूं को चक्की पे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे वो जो seeds हैं, वो किस में convert हो जाते हैं? आटे में, flour में. We also eat rice or maize grains. Which are the seeds of their respective plants. अब हम देखिए rice और maize, maize होती है मक्की, ठीक है, इसको भी इनके जो भी seeds हैं इनको भी खाते हैं, ठीक है. These are sometimes ground to make their flour. और कुछ time हम इनका आटा भी बना लेते हैं, जैसे rice का भी बना लेते हैं पिसवा के, और मक्की का आटा भी आप खाते हैं, मक्की की रोटी जो खाते हैं आप. डोसाज एंड इडलीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ पेस्ट ऑफ ग्राउंड राइस एंड दाल. अब आप डोसाज और इडली भी खाते हैं, तो वो कैसे बनाया जाता है? राइस और दाल के पेस्ट से, ठीक है. वी ईट सीरियल्स लाइक वीट राइस एंड कॉर्न एज दे गिव अस एनर्जी टू डू वर्क. कि आप देखिए सीरियल्स होते हैं दालें की, खाते हैं जैसे दाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, वीट है, राइस है, कॉर्न है, और ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है. आप बेटा पिक्चर में भी देख सकते हैं कि देखिए पहले जो है वीट प्लांट को दिखाया गया है, गेहूं का ये पौधा है, फिर कैसे ये जो है वीट फ्लोर में देखो दाने भी दिखाए हैं और आटा भी दिखाया है, और इससे हम क्या क्या बनाते हैं? चपातीस, परांठा और पूरी. और बेटा ये है डू यू नो, दलिया, सूजी एंड मैदा आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ वीट. कि ये जो सारी चीज़ें आप खाते हैं ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? सीड्स ऑफ वीट से, ठीक है. तो बेटा आज हम यहीं तक रीड करेंगे, आपने रीड करना है पेज नंबर 58, 59. ओके, थैंक यू.